कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र के रजदान गांव के सामने कानपुर आगरा हाईवे में बुधवार की देर रात तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर मार दी। बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई। वह हेलमेट लगाए था। बाइक बस में फंसकर काफी दूर तक घिसटती चली गई। इससे बाइक में आग लग गई। घटना के बाद बस लेकर चालक फरार हो गया। बुधवार देर रात कानपुर की तरफ जा रही रोडवेज बस ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। बाइक बस में फंस गई और उसमें आग लग गई। बाइक पूरी तरह से जल गई। यह देखकर पास के एक गेस्ट हाउस में मौजूद लोग वहां पहुंच गए। इसी बीच रोडवेज बस लेकर चालक फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शत विशत शव को हाईवे से हटाकर किनारे रखा। इसके बाद मृतक के जेब में मिले मोबाइल से उसकी पत्नी ज्योति को फोन करके सूचना दी। सुबह पत्नी व अन्य रिश्तेदार रजदान चौकी पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई, उसके शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रजदान चौकी इंचार्ज धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। बस के बाबत जानकारी जुटाई जा रही है। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।